इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार अहमदाबाद गुजरात। बाहर बाहर भटकाने के स्थान जगत में कई कहे, किंतु भीतर तक जाने में एक मार्ग ही मात्र रहे। कहीं अटक ना जाना चेतन, सीधे सीधे चले चलो, पर में कहीं न दृष्टि डालो, सचेत होकर शीघ्र बढ़ो। बढ़ते जाओ, अंतर्दृष्टि करो, अंतर्दृष्टि करो चेतन, बढ़ते जाओ। यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, सब स्वार्थ का मेला है। एक अकेला कर दो। जब अकेले हो जाते हैं तो कोई विकल्प है क्या? बोलो भाई, एक भी सन है तो टेंशन है, एक भी सन है तो टेंशन है। अब सन भी नहीं, एक अकेला मतलब शरीर भी नहीं, इवन बॉडी तक को भी अलग कर दिया, ये भी मेरा नहीं। ओनली सॉल, सिर्फ एक आत्मा, अखंड चैतन्य आत्मा, असंख्यात प्रदेशी चेतन आत्मा, और कुछ नहीं, नथिंग। मान रखा था अपना, लेकिन अब समझ में आ गया कि एक एक परमाणु मुझसे भिन्न है, उनसे उनके लिए क्या विकल्प करूं, क्यों विकल्प करूं। आचार्य भगवान एक बार गुनगुना रहे थे, किसी ने भजन गाया था और अंतर यंतर में उनके ये धुन चल रही थी। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, निज आत्म की मुझको लगन रखना, निज आत्म की मुझको लगन रखना, कुछ लेना न देना मगन रहना। और आंख बूंद करके समा गए अपने आप में, और दिव्य तेजोमय उनका वह स्वरूप दिखाई दे रहा था, रूप के माध्यम से डूब गए। और कई घंटे बीत गए, आचार्य भगवान डूब गए अपने आप में। ये है स्व समय, जो अपने आप में उपयोग डूब जाए वो है स्व समय। अपना समय, अपने लिए समय, अपने आप की अनुभूति का समय, वही स्व समय है। क्या टेस्ट आ रहा है? कमेटी वालों ने भोजन की अच्छी व्यवस्था की है, भोजन बड़ा टेस्टी है भैया। हाँ, अच्छा लगा यहाँ पर आकर के? क्या अच्छा लगा? भोजन अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी करके रखी है। हाँ, बाहर की व्यवस्था अच्छी लगी। तो परिणाम की अवस्था कब सुधारेगा? ये सारी व्यवस्था भीतर के परिणामों की अवस्था को सुधारने के लिए थी, और वहां तक तो तू पहुंचा ही नहीं। ये बदसूरत शरीर, 9 प्रकार के मल द्वार से भरा गंदा शरीर, इसीलिए बाहर में ये दिया गया है। इसके भीतर पवित्र चेतन आत्मा विराजित है कि तू इस मल को मल समझ करके उसको छोड़ सके और निर्मल स्वरूप आत्मा की ओर अपनी दृष्टि पहुंचा सके। पर अफसोस, तेरी दृष्टि तो मल ही मल के अंदर लिपट करके रह गई, उसी से प्रेम करने लगा, उसी से राग करने लगा। और पढ़ता भी जा रहा है, नव द्वार बहे घिनकारी, हस देह करे हम यारी, ये बोल भी रहा है। हाँ, 12 भावनाएं है ना, 12 भावनाएं में अशुचि भावनाएं, बोल रहा है, पाठ कर रहा है और पाउडर लगा रहा है। नव द्वार बहे घिनकारी, हस देह करे हम यारी, क्या कर रहा है? हाँ, लिपस्टिक लगा रहा है, लगा रही है, और पूरा पूरा लिपाई पुताई चल रही है। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे हम यारी। देखो भगवान, हम आपके चेले, देखा आपने?
नव द्वार से मल बह रहा है, फिर भी हम इससे प्रेम करते हैं। क्या शूरवीर हैं हम, क्या काम कर रहे हो तुम, ये सत्कार्य नहीं कर रहे हो, दुष्कृत्य कर रहे हो। इतनी यारी करो जिससे वो तुम्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको खिलाओ पिलाओ भी मत, सुलाओ भी, जितना आवश्यक है, जिससे गाड़ी हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा दे। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, साफ सफाई भी करनी पड़ती है, सिर्फ इसीलिए कि वो गाड़ी हमें अपने मंजिल तक पहुँचा दे, सिर्फ इसी के लिए। तुम तो इसी में लग गए, किराए का मकान था, 5 महीने के लिए मिला था भाड़े का, ध्यान रखना है, अब इसी का रंग रोगन करने में लग गए, लिपाई पुताई 5 महीने तो किसी में लग गए। भाई रहो ना तुम चैन से, रह लेंगे ना, रह लेंगे, पहले साफ सफाई लिपाई पुताई अच्छे से करवा दो, करवा लेने दो, इसके बाद में क्या रहोगे, फिर मकान मालिक खाली करवा देगा। 5 महीने का अवसर है, अवधि इसकी 5 महीने की है, फिर इसके बाद में खाली करवा देगा, रह ही नहीं पाओगे। जिंदगी मिली तो इसके लिपाई पुताई में पूरा समय बर्बाद कर दिया। एक पल के लिए भी चेतन आत्मा का तो अनुभव कर ही नहीं पाया और समय गुजर गया। आचार्य देव कहते हैं कि ध्यान रखना, सच्चा एकत्व तो सिद्धों में है, सच्चा एकत्व जहाँ कोई भी मिलावट नहीं, एक शुद्ध आत्मा, 14वें गुण स्थान तक भी मिलावट है, क्योंकि अभी भी आत्मा के अस्तित्व में कर्म बंधे हुए हैं, कर्म पड़े हुए, बंधन हो नहीं रहा है पर सत्ता में पड़े हुए हैं। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में सत्ता से सारे कर्मों की विच्छुति हो जाती है। पहले 63 चले गए, चौ कर्म की 63 प्रकृति नाश बोलते हैं ना आप लोग, हाँ 63 प्रकृतियाँ चली गई, फिर 85 निकल गई, कुल मिलाकर के कितनी हो गई, 63 और 85 85 कितने हो गए कुल मिलाकर के, 148 कर्म प्रकृतियाँ, सबका सत्ता नाश हो गया। आप लोग बोलते हैं ना सत्यानाश हो जाए, दूसरों को गाली मत देना है ना, आज से खुद को देना, तेरी सत्ता नाश हो जाए, किसको, कर्म को, हे कर्म तेरी सत्ता नाश हो जाए। बहुत अच्छी गाली दी तुमने, पहली बार अच्छी गाली दी है, हाँ दूसरों को बहुत गालियां दी, कर्म बांधा, लेकिन स्वयं के लिए आपने इतना सोचा कि सारे कर्मों की सत्ता नाश हो जाए। धन्य है वे सिद्ध भगवान जिन्होंने समूचे 148 कर्म प्रकृतियों की सत्ता का विनाश कर दिया, एक अकेली आत्मा, अकेली आत्मा रह गई। वाह, धन्य भाग्य है, शुभ घड़ी है उनके जीवन की। इसीलिए आचार्य देव समझाते हैं कि तूने अज्ञानता में तन उत्पन्न हुआ तो तूने मान लिया कि मैं उत्पन्न हो गया, तन नशने लगा तो तूने सोचा कि मैं ही नष्ट हुआ जा रहा हूँ। 6 ढाला में दौलत राम जी ने भी यही बात कही है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशित आप को नाश मान। क्या बात कही है, तन उत्पन्न होता है तो कहता है, सोचता है कि मैं उत्पन्न हो गया, तन नशने लगा तो घबराता है कि मैं अब मरने लगा। अरे ना तो मरता है ना तो जन्मता है, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। अब फिर ये बात कह दी कि जन्म मरण करता है, अकेला चेतन ही सुख दुख को भोगता है, लेकिन ध्यान रखना जन्म और मरण चेतन नहीं करता है, जन्मे मरे अकेला, अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है, पर भोगता कौन है दुख, चेतन। चेतन जन्म मरण नहीं करता, निश्चय से देखा जाए तो आत्मा का जन्म भी नहीं और आत्मा का मरण भी नहीं, पर व्यवहार में कहने में आता है कि देखो ये जीव पैदा हुआ है, ये जीव मर गया। जीव है तो मरेगा कैसे, क्योंकि जीव का नाम ही यही है, जीव की परिभाषा यही है कि जो सदा काल जिए उसका नाम है जीव। मैं जीव हूं, मैं कभी मरता ही नहीं है, ये पहले तय करो और यही बात बार बार गुंजायमान करो, मैं कभी मरता नहीं।
जन्मे मरे अकेला। कौन अकेला? ये शरीर, ये पुद्गल। पुद्गल का आत्मा के साथ में संबंध हो जाना, यही तो जन्म है, यही तो जन्म है। और अगर गहराई से देखें तो नए पर्याय में जन्म ले लिया उसने, बस यही तो आ गया, उत्पन्न हो गया, यही तो जन्म कह दिया। जन्मे मरे अकेलो, चेतन, चेतन चेतन नहीं जन्मे मरे, चेतन सुख दुख का भोगी। जन्मे मरे अकेला, चेतन सुख दुख का भोगी। और सुख दुख कौन भोगता है? चेतन। तो हम काय को क्या बोलते हैं, पराए, पराई शादी में। हाँ, ये सब पुद्गल के ठाट पाट है, और तुम बड़े दूल्हा बन करके अपने आप को क्या समझ रहे हो? कोई सार नहीं है। पर द्रव्य में मोज बनाना, ये दुख को आमंत्रण करना है। तो यहाँ कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जिस दिन तू अकेला हो जाएगा, तीनों लोक में सर्वत्र सुंदर ही सुंदर एकमात्र तू होगा, एकमात्र तू। मतलब अनंत सिद्धों के साथ में एक तेरा भी नाम जुड़ जाएगा जब तू सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। वो सिद्ध प्रभु तो हैं ही सुंदर सब जगह, और तू भी शेष तीन लोक के अज्ञानियों की जमात में तेरा नाम भी सर्वश्रेष्ठ और उत्तम, सर्वत्र सुंदरता में तेरा नाम आ जाएगा। विश्व सुंदरी बनना है क्या? हाँ, बनना तो है। कोई रूप का ठिकाना नहीं है, और बन भी जाओगे तो विश्व सुंदरी किसे कहते हैं? ये कुछ देश है, बस इन्हीं की तरफ देखोगे, अरे तुम तो त्रिलोक सुंदरी बनो, त्रिलोक सुंदरी। चेतन आत्मा त्रिलोक सुंदरी तब बनेगा जब स्वरूप उद्घाटित हो जाएगा और सिद्धत्व शुद्धत्व के रूप में परिलक्षित होगा। वो है त्रिलोक सुंदरी का स्वरूप, जो रूपातीत होगा, रूप से परे होगा, देह से परे विदेह रूप को धारण करेगा। वो होगा सबसे सुंदर त्रिलोक सुंदरी, त्रिलोक सुंदर का रूप होगा, स्वरूप होगा। आचार्य भगवान कहते हैं, आज एक पंक्ति पूरी हो गई है, एयत निश्चय गदो समो, यानी आत्मा सर्वत्र सुंदर है, सब जगह सुंदर है, कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प है, क्योंकि एक आत्मा ही शेष रहा। जब तक देह है तब तक नेह है, जब तक नेह है तो देह के साथ में वह अटैचमेंट करके ही रहता है, और देह के साथ में ने है तो गेह भी है, गेह यानी घर भी है, है ना। और जब तक देह नेह गेह है तब तक विदेह पद नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए जागो, बाहर मत भटको, बाहर में भटकने के अनंत साधन है। कम से कम 24 मिनट अपने लिए दो कि मुझे अब रूप की तरफ नहीं देखना है। बैठे बैठे भी लोग रूप को देखते रहते हैं, स्वरूप की बात चल रही है समय सार की, ये थोड़ी सी देर देखते, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी देर फिर देखते हैं, पता नहीं क्यों इतना काला काला क्यों दिखने लगा ये है। कभी लगने लगता है कि मोटा हो गया, कभी लगने लगता है कि दुबला हो गया, पता नहीं कितने रूपों में रूपायित करता रहता है ये, और देखता रहता है, इसको निरखता रहता है, कुछ मिलता नहीं है, मात्र पर तत्व के साथ में संबंध करके राग करता है, और फिर राग की आँख में जलता है, अनंत काल यूँ ही बीत जाता है। इसलिए फिर कहती हूँ कि जागो, ये सपनों की आग है, इसमें जागने की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता नहीं है। जाग जाओगे सारे दुख छूमंतर हो जाएंगे। कल नीचे की पंक्ति को और हम समझेंगे, क्या कहना चाहते हैं कुंद कुंद स्वामी, बहुत गहरी बात कहना चाहते हैं। समझ में तो आ रही है ना, समय सार समझने में आए ऐसा ही है, क्योंकि इसमें हमारी कहानी है, और हमारी अपनी कहानी हमको ज़रूर समझ में आती है, बच्चों को भी समझ में आती है। ये समय सार ग्रंथ राज तो ऐसा अध्यात्म का पावन सरल ग्रंथ राज है, बहुत सरल अपनी बातें हैं। जैसे कि दूध होता है ना,
बच्चों के लिए भी सुपाच्य होता है और बूढ़ों के लिए भी सुपाच्य होता है, जवानों के लिए तो होता ही है। ऐसे ही दूध की भांति सबके लिए सुपाच्य है। अज्ञानी पढ़ेगा ज्ञानी होगा, ज्ञानी पढ़ करके केवल ज्ञानी अवश्य हो जाएगा। ऐसा महान ग्रंथ को हम अनंतों बार प्रणाम करते हैं, त्रियोग से प्रणाम करते हैं। ओम चैतन्य चिदानंद धाम निज से निज की हो पहचान, हो जाओ निर्मल निष्काम। ओम चैतन्य चिदानंद धाम विषय कषाय दुख की खान, चैतन्य चिदानंद धाम निश्चय से हूँ भगवान, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार अहमदाबाद गुजरात।